आदमी पार्टी के बाद अब बीजेपी ने भी गुजरात में अपने सीएम फेस का ऐलान कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य के कहे जाने वाले अमित शाह ने साफ किया है कि गुजरात में पार्टी को बहुमत मिला तो कौन अगला मुख्यमंत्री होगा। एक चैनल को दिए गए इंटरव्यू में अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री का नाम का खुलासा किया है। गुजरात में दो चरणों में चुनाव होने हैं। पहले चरण की वोटिंग 1 दिसंबर और दूसरे चरण की वोटिंग 5 दिसंबर को होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर बीजेपी अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में बहुमत हासिल करती है तो भूपेंद्र पटेल गुजरात के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। पटेल की भाजपा के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार 1998 से लगातार बन रही है। हम आपको बता दें कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद गुजरात में अधिक समय तक कोई मुख्यमंत्री नहीं रह सका है। केशुभाई पटेल के बाद 2001 में नरेंद्र मोदी को गुजरात का मुख्यमंत्री बनाया गया था। नरेंद्र मोदी 2014 तक गुजरात के सीएम रहे। नरेंद्र मोदी के पीएम बनने के बाद आनंदीबेन पटेल को सीएम पद की जिम्मेदारी सौंपी गई। लेकिन 2016 में आनंदीबेन पटेल को हटाकर विजय रूपानी को नया मुख्यमंत्री बना दिया गया। विजय रूपानी का कार्यकाल चल ही रहा था कि बीते साल सितंबर में रूपानी को भी बदल दिया गया। विजय रूपानी के बाद अब भूपेंद्र पटेल को मुख्यमंत्री बनाया गया है। भूपेंद्र पटेल पहली बार विधायक बने हैं। वह घाट लोडिया विधानसभा क्षेत्र से पहली बार विधायक चुने गए हैं। इस बार हो रहे गुजरात विधानसभा चुनाव में वह दोबारा इसी सीट से प्रत्याशी हैं। वहीं बीजेपी के ऐलान के पहले ही आम आदमी पार्टी ने गुजरात में अपने मुख्यमंत्री चेहरे का ऐलान कर दिया है। आपने पंजाब की तर्ज पर मुख्यमंत्री में भी ऑनलाइन सर्वे कराया है। गुजरात के लोगों ने सोशल मीडिया पर सर्वे कराने के बाद वोटिंग के आधार पर आम आदमी पार्टी ने इशुदान गढ़वी को नया सीएम ऐलान किया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान नहीं किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।